मार्बल सिटी किशनगढ़ के परासिया रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत का मामला संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। महिला की मौत, मृतका के परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया आरोप। अराई थाना अधिकारी को हटाने व अराई निवासी मुकेश कलवार के खिलाफ जांच की परिवार के लोगों ने की मांग। मोर्चरी के बाहर 3 दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का भी लगा रहा आना जाना। आखिरकार पुलिस प्रशासन की समझाइश से मामला हुआ शांत। अराई निवासी मुकेश कलवार को विधायक सुरेश टाक का पीए निजी सहायक बताने की बात भी निकली निराधार। विधायक सुरेश टाक ने घटना पर जताई संवेदनाएं। मुकेश कलवार को पीए बताने की बात को विधायक सुरेश टाक ने कहा निराधार। विधायक सुरेश टाक ने कहा, मेरा एक ही पीए है निजी सहायक, जिसका नाम शुभम शर्मा है, जो अजमेर निवासी है। मामले में विधायक सुरेश टाक का नाम आने पर विधायक सुरेश टाक ने कहा, यह है ओछी राजनीति। टाक ने कहा, पुलिस प्रशासन कर रही है मामले की निष्पक्ष जांच, जो होगा गलत उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। तहसीलदार शैतान यादव, सीओ सिटी मनीष शर्मा, सीओ ग्रामीण जनरल सिंह व जीआरपी सीओ हर्षित ने परिजनों से की समझाइश। आखिर 3 दिन बाद मृतका के शव का हुआ पोस्टमार्टम। प्रशासन ने परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव किया सुपुर्द। मामले में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच का पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को दिया आश्वासन, तब जाकर हुआ मामला शांत। बता दें, मार्बल सिटी किशनगढ़ के परासिया रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। अराई निवासी मुकेश कलवार पर जमीन हड़पने व आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मोर्चरी के बाहर 3 दिनों से शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, आज पुलिस प्रशासन की समझाइश से शव का हुआ पोस्टमार्टम। अराई थाना अधिकारी को हटाने व अराई निवासी मुकेश कलवार के खिलाफ जांच की मांग की एफआईआर हुई दर्ज। जीआरपी थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। यहाँ पर ठीक है, बोले आपने यहाँ पर ये जमीन पे जबरन कब्जा करा है, भेज भी चले, इनको वहाँ पे थाने में ले जाके मारपीट की है। ये साबित किया कि ये दलित हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मेन चीज इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस प्रशासन की वजह से ये काम हुआ। दलित समाज को ये दिखाया गया कि तुम दलित हो और तुम्हारे साथ यही अत्याचार होगा, तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम में अब दम है तो तुम तैयार हो जाओ। नहीं करते कोई भी, वो भी ऐसी काम तो नहीं करेंगे। दबाव हमें दबाव में कुछ लगा रहा हूँ। हाँ, बहुत ब्राह्मण है मनीष जी शर्मा, इधर सही है। हाँ, जो आप आ रही है, हाँ, बहुत मनीष बड़ गुजर गया क्या? अच्छा, यहाँ बता दो यार।